नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए कराया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीटीपीएससी और ईपीयूएफ के लिए शानदार और जानदार कोर्सेज, जिसमें हम कंडक्ट करवा रहे हैं प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज वगैरह। इनके अधिक कॉन्टैक्ट आप ही नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए इन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मुख्यतः चार सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ट्राइबल मूवमेंट्स, यानी कि जो ट्राइबल मूवमेंट बिहार के क्षेत्र में, बिहार के इतिहास में जो बिरसा आंदोलन हुआ या संथाल रिवोल्ट हुआ, इस तरह के रिवोल्ट के क्वेश्चन हर बार अल्टरनेटली पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ट्राइबल मूवमेंट से ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है टैगोर से। आपको पता होगा कि बीपीएससी के सिलेबस में मेनली एक अलग पार्ट सेपरेट करके दे दिया गया है, जहां गांधी, नेहरू और टैगोर, इनके विचार, इनके आचरण, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ये अलग अलग करके हर पेपर में अल्टरनेट करके पूछा ही जाता है। चौथा है एग्रीकल्चर, उसके ऊपर है करंट अफेयर। करंट अफेयर में से हम देखेंगे कि जब भी हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, जिसने इनइक्वालिटी यानी असमानता की दर भारत में कोविड-19 की वजह से जो असमानताएं बढ़ी हैं उसके बारे में कटाक्ष किया था, तो उस पर कैसे यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है, न्यूनतम समान आय वाले जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई करके इसका इनइक्वालिटी को हम कम कर सकते हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर में डबलिंग द फार्मर्स इनकम, यानी कि जो डीएफआई कमेटी थी अशोक दलवाई के अंदर बनी थी, उसके कुछ क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ द बिरसा मूवमेंट, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट, यानी कि इस प्रश्न के मुख्यतः दो भाग हैं। पहला कि बेसिक फीचर्स और दूसरा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इज बेसिकली कि उस मूवमेंट के बाद यानी उस आंदोलन के बाद उस क्षेत्र पे और वहाँ के लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है, और बेसिक फीचर्स यानी कि ये जो मूवमेंट है या ये जो आंदोलन है इनकी खास विशेषताएं क्या थी, यानी कि बहुत ही ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है। आपको दो पार्ट में इसको बांटना है, पहले इसकी विशेषताओं को बताना है, दूसरा इसके इम्पैक्ट्स को बताना है, ठीक है। वो इम्पैक्ट्स अलग अलग सेक्टर्स में हो सकते हैं, क्या क्या सेक्टर में होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक फीचर्स के लिए और इसका इंट्रोडक्शन हम क्या दे सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि बिहार के इतिहास में, भारत के इतिहास में अंग्रेजों की लड़ाई में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, इनमें से एक घटना जो है वो बिरसा मूवमेंट भी रहा, ठीक है। ये इतना फेरस था, ये बाकी आने वाली मूवमेंट्स को, आने वाले आंदोलनों को इसने एक उत्प्रेरक के रूप में अपना अपनी भावना या अपनी भूमिका निभाई, इसने प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया, और 1857 में इसी को लेकर हमने आगे लड़ने की जो इच्छा थी, आगे लड़ने की जो उत्साह थी, प्रोत्साहन थी, वो इसी मूवमेंट से मिली। अभी भी आजकल भी जो अलग झारखंड की मांग हुई, उनमें भी बिरसा मुंडा जैसे लीडर्स के ही नाम पर या उन्हीं से प्रेरणा लेकर और भी जितने आदिवासी समाज है वो कभी कभी जब अपनी आवाज़ उठाते हैं या जब उनको आंदोलन करना होता है तो वो आज भी इसी मूवमेंट से प्रेरणा लेते हैं। इस तरह का आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि क्या है कि यह मुख्यतः 19वीं सदी यानी लेट 19th सेंचुरी में यह मूवमेंट शुरू हुआ था, और इसे शुरू किसने किया था, तो मुंडा समुदाय, मुंडा कम्युनिटी ने इसे शुरू किया था, जो आज के चाईबासा डिस्ट्रिक्ट यानी मॉडर्न डे झारखंड के चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में जो एरिया पड़ता है उस एरिया के आसपास ये शुरू हुआ था, और इसे उलगुलन और तुमलुत मूवमेंट यानी इसे उलगुलन और तुमलुत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लीडर यानी बिरसा मुंडा ने इसे लीड किया था, वह एक सामाजिक और धार्मिक दोनों ही तरह के नेता, यानी कि अपने मुंडा समाज के सामाजिक एवं धार्मिक नेता थे। उसके बाद ये मुख्यतः क्यों हुआ था, तो ये अंग्रेज़ों और उनके क्रिश्चियन मिशनरीज, वो मिशनरी जो क्रिश्चियन ईसाई धर्म प्रचार कर रही थी, उनके विरोध में ये मूवमेंट हुआ था। इसके अलावा और भी लोग जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे थे, ठीक है, उनके भी खिलाफ हुआ था, हम देखेंगे कैसे। खुंतकट्टी सिस्टम यानी कि जंगलों की कटाई की व्यवस्था, जो मुख्यतः बिरसा मुंडा यानी कि मुंडा कम्युनिटी और वहाँ के आम लोगों के लिए ये मुख्य आय का स्रोत था और उनकी एक पारंपरिक अधिकार था। वनों की कटाई, वनों की फसलों पर उनका अधिकार, वन पर उनका अधिकार क्षेत्र, इन अधिकार क्षेत्र में जब बाहर से लाए गए मजदूरों, जब वो नई एक रेल योजना या नई रेल लाइन डाल रहे थे तो बाहर से मजदूरों को लेकर आए, उनको उन्होंने बसाया, और उन्हीं के बीच में बाहर के मजदूरों एवं लोकल आदिवासियों के बीच संघर्ष हुआ, उसने इस मूवमेंट को जन्म दिया, और धीरे धीरे इन्होंने फिर अंग्रेजों के साथ और क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। इसे अबुआ राज यानी कि अबुआ राज यानी अपना राज, इस तरह का एक लोकल टर्म है, वो अपना अबुआ राज स्थापित करने के लिए इस तरह की मूवमेंट को कर रहे थे, और आप इसमें एक मैप भी बनाकर दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके आंसर को एक कंप्लीट ज्योग्राफिकल लोकेशन भी मिले कि जो एग्जामिनर हो उसको ये पता चले कि भाई इस व्यक्ति को या इस बच्चे को या इस अभ्यर्थी को एक कंप्लीट ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पता है कि कहाँ पर ये मूवमेंट हुआ था और कहाँ कहाँ पर इसके इम्पैक्ट हुए थे।
बेसिक फीचर्स क्या क्या थे। तो इनके बेसिक फीचर्स को हम बांट कर लिखेंगे, जैसे कि यह एक लोकल मूवमेंट था। लोकल मूवमेंट मतलब यह एक स्थानीय मूवमेंट था जिसका प्रभाव मुख्यतः रांची और सिंहभूम के इलाके के आसपास ही रहा, इससे आगे ये बढ़ा नहीं। दूसरा प्रोफेटिज्म यानी कि पैगंबरवाद, जो इनकी मूवमेंट के जो लीडर थे, इन आंदोलन के जो नेता थे बिरसा मुंडा, उन्होंने अपने आप को पैगंबर माना और अपने लोगों को जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्हें धार्मिक तथा सामाजिक दोनों ही तरह के उपदेश दिए और ये ना मात्र एक पॉलिटिकल लीडर बने बल्कि एक सामाजिक एवं धार्मिक रीजन भी, धार्मिक नेता भी उन्होंने बने। यानी कि यह केवल एक राजनीतिक या आंदोलन नहीं था, यह सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन भी था। दूसरा यह एंटी कॉलोनियल मीन्स जो उपनिवेशवाद ही ताकतें थी उनके खिलाफ भी एक मूवमेंट था। तो जितना ज़्यादा आप अपने आंसर को कैटेगराइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके आंसर्स को एस्पेक्ट मिलता है और उतना ही डीप यानी कि उतना ही डेप्थ आपके राइटिंग स्किल में आता है। पॉइंट्स भले ही कम हो लेकिन जब आप कैटेगराइज करने लगते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करता है और जो एग्जामिनर होता है उसको पता चलता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है। अब ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी था। प्रोग्रेसिव मूवमेंट इसलिए था क्योंकि आज के मॉडर्न डे प्रोग्रेसिव जो हम कहते हैं कि ये शराब विरोधी हुआ या पशु बलि विरोधी हुआ, इस तरह के मूवमेंट बहुत पहले यानी कि लेट 19th सेंचुरी 19वीं सदी से यानी आखिरी 19वीं सदी में ही ये पशु बलि का विरोध कर रहे थे, ठीक है, नशा मुक्ति का कर रहे थे, यानी नशा का विरोध कर रहे थे, नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे थे, वैष्णविज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया। इस तरह से ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी था। एंटी एक्सप्लॉइटेशन मीन्स जो शोषण उनके ऊपर हो रहा था, कौन शोषण कर रहे थे, तो जमींदार, साहूकार और अंग्रेज, इन तीनों का एक कुतक्र था और ये आपस में मिलकर इन पर शोषण कर रहे थे। जमींदार की ज़मीन पर ये खेती करते थे, खेती करने के लिए साहूकार से पैसे ब्याज पर लेते थे और जब वो पैसे नहीं दे पाते थे तो फिर उन पर ब्याज बढ़ जाता था और उससे वो ज़मीन जो है वो जमींदार के हाथ में चली जाती थी और फिर वो ज़मींदार उसी ज़मीन को अंग्रेज़ों के हाथ में बेच देता था। इस तरह का एक कुचक्र चल रहा था और उस कुचक्र की वजह से इनकी स्थितियाँ खराब हो रही थी, इनके जीवन यापन में परेशानियाँ आ रही थी। इसी को देखते हुए इन्होंने यह एक आंदोलन खड़ा किया ताकि ये अपने ही ज़मीन पर, ये लोग बाहरी बनते जा रहे थे, इनकी ज़मीन जो है वो कब्ज़ा हो रही थी, बाहर के लोग, बाहर के साहूकार, बाहर के मजदूर आकर इनके ज़मीन पर, इनके सोशल कंडीशन पर, सामाजिक परंपराओं में, प्रथाओं में, रोज़मर्रा के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे और इसी का एक उत्तर था बिरसा मूवमेंट। इस तरह से आप अपने आंसर को और बॉडी में एलोंगेट करके लिख सकते हैं। दूसरा रिफॉर्मिस्ट और रिलीजियस, जैसे कि हमने पहले बताया कि प्रोफेटिज्म यानी पैगंबरवाद था और एक रिलीजियस था क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी को आपको जब काउंटर करना था, जब वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उसके काउंटर में इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार शुरू किया। तो इस तरह से ये मूवमेंट क्या हुआ, स्थानीय हो गया, लोकल हो गया, एंटी कॉलोनियल हो गया यानी उपनिवेशवाद के विरुद्ध हुआ, प्रोग्रेसिव हो गया, प्रगतिशील आंदोलन हुआ। तो इस तरह के इसके 6-4 अलग अलग बेसिक फीचर्स आप देखकर इसे डिफाइन किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं इसके इम्पैक्ट यानी इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रभाव क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल लोग थे यानी स्थानीय आदिवासी थे, उनमें एक आत्मविश्वास, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस की भावना का उत्साह हुआ। ये जो मिथक था कि अंग्रेज़ों को हराया नहीं जा सकता, गोड़ी चमड़ी वाले लोग जो हैं वो देवता के अवतार हैं, उनसे कोई आप उनको आप हरा नहीं सकते, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो ये जो मिथ था वो टूट गया। जब युद्ध हुआ तो उन्हें भी भारी क्षति पहुंची और ये पता चल गया कि भाई उनमें भी, वो भी मनुष्य हैं और उन्हें भी हराया जा सकता है। बहुत से अलग अलग बैटल्स में, बहुत सारे छापामार युद्ध में बिरसा मुंडा या उनके साथियों ने कई बार निर्णायक स्थितियों को अपने कब्जे में कर भी लिया था, कई बार उनकी जीत भी हुई थी। आगे चलकर बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया जाता है और उन्हें बंदी बनाकर जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन यह वो साबित करके चले जाते हैं कि अगर हम मिलकर एकत्रित होकर संबंधी योजनाबद्ध तरीके से अगर लड़ेंगे तो अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। और इसी से प्रेरणा लेकर 1857 में एक जब क्रांति होती है तो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर आने वाले समय में जब कांग्रेस का निर्माण होता है, उसके आने वाले समय में जब रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी मूवमेंट होते हैं, तो इन्हीं नेताओं का, इन्हीं का एग्जाम्पल लेके, इन्हीं के एग्जाम्पल से, इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमें जो है राष्ट्रीयता का एक भाव मिलता है और इन शक्तियों से लड़ने की ऊर्जा मिलती है। इस तरह से आप अपने आंसर को एलोंगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो जो उनके संथाल, जैसे कि संथाल विद्रोह में संथाल टेनेंसी एक्ट पारित हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी किराएदार अधिनियम पारित हो जाता है और ये लोग अंग्रेज सरकार से डील हो जाती है कि इनके क्षेत्र में यानी इनके वन क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में वो लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इनकी नीतियों में, इनके समाज में, इनकी रीतियों में, इनकी पूजा पाठ की विधियों में, इनके रोजमर्रा के जीवन में ब्रिटिश नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम हस्तक्षेप ही रहेगा। इस तरह की वो डील एक साइन कर लेते हैं आपस में ताकि ब्रिटिशर्स जो है उनसे उलझना नहीं चाहते, तो एक तरह की इनकी विजय होती है, ठीक है। आप देखते हैं कि यह जो लोकल और कल्चरल आइडेंटिटी थी यानी कि वहाँ के आदिवासियों की जो स्थानिक और सांस्कृतिक पहचान थी उसको बचाए रखने एवं बनाए रखने में ये सफल हो जाता है, ताकि बाहर के लोगों के आने से जब वहाँ के जो कल्चरल मिक्सिंग होती या एथनिक क्लिनजिंग जैसे शब्द होते तो वो वहाँ पर नहीं आ पाते। इसलिए जब उन्होंने बाहरी लोगों को वहाँ से आने से रोका तो उन्होंने अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी स्थानिकता, अपनी प्रथा, अपने ट्रेडिशंस को बचाए रखने में वो कामयाब रहे और इस भी आज तक भी वो फलित और फुलित है, ठीक है। इस तरह से अपने आंसर को इनका इम्पैक्ट दे सकते हैं, फीचर्स दिया, इंट्रोडक्शन दिया और इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये था हमारा पहला आंसर, अब बढ़ते हैं दूसरे आंसर की तरफ। डिस्कस टैगोर्स व्यू और नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद पर टैगोर की चर्चा करें।
अभी आप देख रहे हैं कि बंगाल का चुनाव चल रहा है और ये 66 बीपीएससी मेंस की जो परीक्षा है वो मई के आसपास होने की संभावना है, तो जो पेपर सेट होगा वो अप्रैल के आसपास सेट होगा और उस वक्त बंगाल के जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर रहेंगे। और बंगाल चुनाव प्रचार में बहुत सारी विभूतियों का नाम आने वाला है, जबकि पहले बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एक ही प्रोविंस थे, तो बिहार में या बीपीएससी में बहुत सी क्वेश्चन संभावना है कि बंगाल की हिस्ट्री जो इंडियन हिस्टोरिकल मूवमेंट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो बंगाल का कंट्रीब्यूशन है और बिहार का कंट्रीब्यूशन है दोनों के कॉमन लीडर्स, उन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी टैगोर चर्चा में है, ठीक है, शांति निकेतन में कुछ विवाद हो गया था उसके बारे में चर्चा में है, उनके बर्थ प्लेस को लेकर कुछ विवाद हुआ था, तो टैगोर अभी चर्चा में रहने वाले हैं। तो उनकी राष्ट्रीयता, जो बीजेपी जैसी पार्टियां हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टियां कहती हैं, तो वो लोग जब राष्ट्रीयता को कमेंट कर रहे हैं या राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाकर अपने चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, तो अभी ज़रूरी है कि हम टैगोर के राष्ट्रवाद को भी समझें। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछने की प्रबल संभावना है अगर ये एग्जाम मई में होती है, ठीक है, कि टैगोर के राष्ट्रवाद के ऊपर क्या विचार थे, अगर क्या वो गांधी से सहमत थे, तो हम देखेंगे कि गांधी और उनके बीच में विचार अलग अलग थे या भिन्न थे या कैसे थे। तो पहले हम बताएंगे कि बैकग्राउंड यानी कि टैगोर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या था, तो सीधा सीधा कि मोर इम्पॉर्टेंस टू सोसाइटी देन इंडिविजुअल, यानी कि टैगोर का जो राष्ट्रवाद था वो सामाजिक राष्ट्रवाद था, यानी उस समाज पर ज़्यादा जोर देता था बजाय इसके कि किसी एक व्यक्ति विशेष पर महत्व हो। लिबरेशन ऑफ सोल रादर देन लिबरेशन ऑफ पॉलिटिकल लिबरेशन, यानी कि आध्यात्मिक तौर पर वो आज़ादी के समर्थक थे, यानी कि स्वाधीनता ऐसी मिली जो ना सिर्फ सामाजिक या राजनीतिक हो बल्कि आध्यात्मिक भी हो। तो ही वॉज मोर इन टू द एस्थेटिक पार्ट, ओके, ही वॉज मोर इन टू द सोल पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस और द नेशनलिज्म इन ऑर्डर टू और रदर इन कंटेक्स टू द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। मोस्ट स्ट्रेस ऑन इंटरनेशनल यूनिवर्सल एंड ब्रदरहुड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयता एवं सार्वभौमिक बंधुत्व पे उनका विश्वास ज़्यादा था, ठीक है। जो मॉडर्न नेशन स्टेट है यानी कि नया आधुनिक राज्य, राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का, उसके वो खिलाफ थे और वे कहते थे कि ये बहुत ही नैरो माइंडेड है और कॉलोनियल है, यानी कि यह स्वयं ही औपनिवेशिक ताकतों या औपनिवेशिक विचार का ही जन्म दिया हुआ नेशन स्टेट है, इसलिए भारत को इस नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य के विचार से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी कि इंटरनेशनलिज्म की ओर बढ़ना चाहिए कि सारा विश्व एक समाज है और हम सब साथ में रह सकते हैं। इस तरह का उनके सोचते ग्लोबल यानी कि वैश्विक सोच वाले व्यक्ति थे उस जमाने में भी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहां तक उनकी सोच थी, ठीक है। तो वो जो है राष्ट्रवाद से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी इंटरनेशनलिज्म, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी फिलॉसफी है, उस पर वो ज़्यादा विश्वास करते थे बजाय इसके कि हम एक राष्ट्र की तरह और ज़्यादा गौरवान्वित, तो बजाय इसके कि हम एक संपूर्ण समाज की तरह, पूरा विश्व एक समाज की तरह आगे बढ़े और एक दूसरे की मदद करे और कहीं पर कोई भी बॉर्डर नहीं, यानी बहुत ही आइडियलिस्ट आदर्शवादी विचार थे उनके, ठीक है। टैगोर का ये कहना था कि राष्ट्रवादी नेशनलिज्म जो है इट लीड्स टू सेल्फ प्राइड एंड क्वेस्ट ऑफ पावर, यानी कि राष्ट्रवाद से अति गौरव का विश्वास जागृत होता है जिससे हम शक्ति उर्जित करने या दूसरों से अच्छे बनने की कंपटीशन में हम शक्ति को ग्रहण करने यानी शक्ति की तलाश में, एक स्टेटस की तलाश में आगे बढ़ते हैं और अपना कार्य को सिद्ध करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अंततः कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद को जन्म देता है और फिर वही साम्राज्य अपना अपना स्टेटस, अपने अपने नाम को बचाने के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए, अपने सम्मान में एक दूसरे से युद्ध करते हैं और ये युद्ध अंततः क्या होता है, मानव की क्षति को पहुँचाता है, यानी कि जो राष्ट्रवाद है वो अंततः मानव क्षति का कारक है। इसलिए हमें राष्ट्रवाद नहीं, हमें अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी कि इंटरनेशनलिज्म पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि हम नेशनलिज्म पर फोकस करें, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा वो जो पूर्ण रूप से यूरोपीय राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडियन में जो कॉन्सेप्ट बाद में जो नेशन स्टेट का है, जो यूरोपियन एंड वेस्टर्न पावर्स है, उसके तो खिलाफ थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन थे वो इसलिए थे क्योंकि भारत पे जो बाहर के लोग जो विदेशी ताकतें अत्याचार कर रही थी, भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी या स्वाधीनता संग्राम था, उसमें एक और कारण यह भी था कि वो विदेशी औपनिवेशिक ताकतों के अत्याचार के खिलाफ भी लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को समर्थन भी दिया था। लेकिन हम देखेंगे कि 1917 आते आते जब चीज़ें अति राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने जाती हैं और हम धर्म के नाम पर बट रहे होते हैं, टू नेशन थ्योरी का उद्भव शुरू हो जाता है, उद्गम शुरू हो जाता है, तब हम देखेंगे किस तरह से वो इस पर कटाक्ष भी करते हैं और इसकी आलोचना भी करते हैं, ठीक है। ही हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद गांधी, यानी कि उन्हें गांधी जी के विचार से भी उनके काफ़ी मतभेद थे। शुरू शुरू में तो दोनों एक दूसरे के समर्थक थे, लेकिन बाद में उनके मतभेद हुए और किस पॉइंट पर यानी किन बिंदुओं पर मतभेद हुए, तो उनका मतभेद ये था कि गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है वो एक संकीर्ण है, अहम भाव यानी कि अहंकार की भावना, ईगोइज्म पर फोकस करता है और एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट यानी वो अराजकता का प्रतीक है। इस तरह से उन्होंने गांधी जी के राष्ट्रवाद की आलोचना की थी और उन्होंने ये कहा था कि आपसे भारतीय प्रथा और परंपरा यानी कि कंसिडरिंग ओनली इंडियन ट्रेडिशंस एंड सोशल सोसाइटीज एंड नॉर्म्स एज सुपीरियर एंड नेग्लेक्टिंग द अदर कंट्री, यानी कि सिर्फ भारत की प्रथा और कल्चर और संस्कृति को ही अच्छा माने और दूसरे किसी भी देश की कोई भी संस्कृति, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो या कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी परंपरा अच्छी क्यों ना हो, उसे बुरा मानकर हम नेग्लेक्ट ना करें, ये हमें एक क्या दिखाता है, ये एक ईगोइज्म है जिसे कहते हैं अहमवाद, ठीक है। तो इस तरह की अहमवाद ईगोइज्म ठीक नहीं है भारत जैसे उभरते देश के लिए, जहाँ पर मल्टी कल्चरल और वैराइड यानी कि जहाँ विविधता पहले से ही आई हुई है, तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। इस तरह से गांधी जी के जो राष्ट्रवाद था और टैगोर का राष्ट्रवाद था, उनके बीच में धीरे धीरे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने लगता है और वो उनकी आलोचना इसी पॉइंट्स पर करते भी हैं।
आगे हम और देखेंगे कि किन मुख्य विशेष बिंदु पर वो दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, जब गांधी जी का जो राष्ट्रवाद था वो मुख्यतः पॉलिटिकल स्वराज, यानी को पता है कि हिंद स्वराज पे कॉन्सेप्ट पे आधारित था, लेकिन जो टैगोर का जो राष्ट्रवाद था वो एक सोसाइटी यानी समाज पर आधारित था। तो ये स्वराज वर्सेस समाज, ठीक है। इन्होंने भारतीय 1917 में इसको क्रिटिसाइज भी किया और ये कहा कि आप नेशनल आइडेंटिटी यानी कि राष्ट्रीय पहचान पर अति आय यानी अधिक से जरूरत से ज़्यादा आप उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा उसे विशेषता दे रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि हम दूसरे लोगों के यानी दूसरे राष्ट्र के लोगों से एक हमारे ऊपर वैमनस्य का भाव जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिस जो हमारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे राष्ट्रों से भी कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन जब अति राष्ट्रवाद हो जाता है तो लोग, हमने पहले भी जैसे बताया कि सेल्फ प्राइड यानी अति गौरव में आकर हम दूसरों को अपने से नीचे समझने लगते हैं और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर इंपेरियलिज्म बढ़ाते हैं, अपने राज्य का क्षेत्र बढ़ाते हैं, फिर क्षेत्रवाद को बड़ा करते हैं और उसी कारण में हमें फिर युद्ध करना पड़ता है। और ये अति राष्ट्रवाद जो है जाने अनजाने में अंतिम रूप से मानव को क्षति ही पहुंचाता है। तो ये उनके पॉइंट थे। अब देखते हैं किन पॉइंट्स पे वो खास करके डिफरेंस पे थे। तो देख लेते हैं कि गांधी जी जो जिन्होंने इकोनॉमिक अपलिफमेंट के लिए चरखा का मॉडल दिया था फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी खेती के लिए को बल दिया, यानी चरखा वर्सेस कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, वर्ण आश्रम धर्म, जहाँ गांधी जी वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था को मानते थे, उनका कभी भी उन्होंने अपोज नहीं किया। उनका कहना था कि क्लास डिवीजन तो सही है लेकिन वो सिर्फ अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, यानी कि छुआछूत के खिलाफ थे, वो कास्ट के खिलाफ इतने नहीं थे, खास करके वर्ण व्यवस्था के तो वो मानने वाले व्यक्ति थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टैगोर कहते थे कि किसी भी तरह का नो कास्ट बेस्ड डिवीजन, जाति पर आधारित किसी भी तरह का विभाजन मैं मानने को स्वीकार नहीं हूँ। हर मनुष्य एक तरह ही जन्म लेता है, एक ही रूप में जन्म लेता है, और जब ईश्वर बनाने वाला व्यक्ति ईश्वर उसमें भेद नहीं कर सकता है, तो जमीन पर रहने वाले व्यक्ति कैसे आपस में भेद कर सकते हैं। अब जब गांधी जी स्वराज पर मानते थे तो वो समाज पर मानते थे, यानी एक सिंक्रेटिक समाज, यानी कि समकालीन ऐसा समाज जहाँ सब लोग समान हो और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की मदद करें, तो वो स्वराज वर्सेस समाज। तो इन तीन पॉइंट्स पर उनका कंप्लीट डिफरेंस था। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि DFI यानी कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम कमेटी को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन मतलब उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, और जो नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट जो ज़्यादा है उसको देखते हुए अपना कंक्लूजन देना है। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर उसके पॉजिटिव ज़्यादा है तब तो फिर नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन दीजिए, और जब नेगेटिव ज़्यादा है तो आप कहिए कि इसको फिर रिप्लेस करना होगा। अंडरस्टुड, यानी कि दोनों में से जिस भी व्यक्ति का, जिस पार्ट का, जिस प्रमोलिगेशन का पार्ट ज़्यादा होगा, अगर पॉजिटिव पार्ट इज मोर किसी भी स्कीम की, पॉलिसी की, व्यक्ति की, व्यक्तित्व की, किसी मूवमेंट की, वो क्रिटिकली एनालिस करने का मतलब है कि अगर वहाँ पर किसी भी चीज़ की पॉजिटिविटी ज़्यादा है और नेगेटिविटी कम है तो उसको नेगेटिविटी को इग्नोर करके एक सॉल्यूशन देकर हमें उसे ठीक करना होता है, लेकिन अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो हमें उसे कंप्लीटली रिप्लेस करना होता है। इस तरह के आपसे एक कमेंट वाइज आंसर पूछा है। डबलिंग द फार्मर्स इनकम DFI समिति जो मिस्टर अशोक तलवाई के अंदर नेतृत्व में की जा रही है, उसकी सिफारिशें जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं उसका आलोचनात्मक विश्लेषण हमें करना है। तो पहले देख लेंगे कि DFI कमेटी क्या है, डबलिंग फार्मर्स इनकम समिति क्या है। तो ये अशोक दलवाई जी द्वारा नेतृत्व की गई कमेटी है। जब सरकार ने जो वादा किया था कि 2024 तक हम फार्मर्स की जो आय है उसको दोगुनी कर देंगे, तो उससे दोगुनी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने सिफारिशें दी हैं। उन सिफारिशों को जो कमेटी ने दिया है उस कमेटी को हम कहते हैं DFI ने डबलिंग फार्मर्स दोगुनी किसान आय समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो मिस्टर अशोक दलवाई। चलिए अब देखते हैं कि उनकी सिफारिशें क्या हैं। सिफारिशें क्या क्या हैं, तो इन्हें कुल 619 सिफारिशें हैं, जिनमें से हमारे काम की क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अगर फार्मर्स की यानी किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि करनी है तो वह जो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र में 10-11% प्रति वर्ष का विकास, यानी कि 10-11% पर एनम ग्रोथ होना चाहिए। कब तक, तो 2022 और 2023 तक। और हमें सैफ्रन क्रांति यानी केसरिया क्रांति की तरफ बढ़ना होगा। वो केसरिया क्रांति किसे कहते हैं, तो वह क्रांति जो सोलर एनर्जी से आए, सोलर एनर्जी जो कि बहुत ही अच्छा और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अभी हाल ही के शुरुआती दिनों में भले ही उसके प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट्स, उनमें लगने वाली सामग्रियां, टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जब इसका डिमांड बढ़ेगा और इसको कैटर करने के लिए इसकी सप्लाई, जब इनके प्रोडक्ट्स की या इनके रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई अगर बढ़ जाएगी, तो ये एक रेवोल्यूशनरी होने वाली है, गेम चेंजर होने वाली है। और इसी तरह से ये एक सैफ्रन कैंडी सूरज के कलर के जो भगवा रंग को देखते हुए एक सैफ्रन रेवोल्यूशन, जो ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ है, उसी तरह से हमें अब केसरी क्रांति ने सैफ्रन रेवोल्यूशन की ओर बढ़ना होगा। और इसका एग्जांपल अगर चाहें तो आप दे सकते हैं, जैसे गुजरात में एक कुसुम योजना चल रही है जहाँ की किसानों को सोलर प्लेट्स बांटे जाते हैं और वो सोलर प्लेट अपने खेतों में लगाकर वो एनर्जी प्रोड्यूस भी करते हैं, उसी एनर्जी से वो अपने इरीगेशन को यूज़ करते हैं, सिंचाई के लिए जो है मोटर के पानी को यूज़ करते हैं, और बची हुई एनर्जी को वो गुजरात सरकार को भी बेचते हैं, बदले में उसे पैसा भी मिलता है। इसी तरह की योजना बिहार में भी चल रही है, जिसे दियारा क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र वो होता है जो नदी के छूटे हुए भाग में, नदी जो अपनी कोर्स को बदल लेती है, जब अपनी पथ बदलती है तो जो भाग छूट जाता है वहाँ पानी का कुछ हिस्सा रह जाता है, उन क्षेत्र को दियारा क्षेत्र कहते हैं। अब उन दियारा क्षेत्र में खेती तो संभव नहीं है, तो वहाँ पर श्री नीतीश कुमार जी ने एक योजना का प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है ऊपर बिजली और नीचे मछली। यानी कि इस तरह के छोटे छोटे तालाब होते हैं, उन तालाबों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा के ऊपर से हम बिजली प्रोड्यूस करेंगे और नीचे मत्स्य पालन करेंगे। तो इस तरह का भी योजना का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो है वो कम्प्लीट एक्सपेक्टोरल हो जाए। ठीक है,
और क्या क्या रिकमेंडेशन है, यानी और क्या क्या सिफारिशें हैं, तो वन नेशन वन मार्केट, यानी कि एक भारत एक बाजार, ये 2014 में जो आई इंडिया सरकार है, इस तरह की काफ़ी स्कीमें ला रही हैं। अगर आपने देखा होगा कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन रेशन कार्ड, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस तरह से एक भारत एक बाजार को लाने की जरूरत है। इस तरह की रिकमेंडेशन इसमें दी गई है, तो अशोक दलवाई कमेटी में दी गई है। 700 FPO यानी कि फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो गाँव में कुछ खेतों को मिलाकर कुछ किसानों को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इस तरह के जो कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी फार्मिंग से कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, उनके पास बार्गेनिंग की पावर बढ़ जाएगी। अगर एक छोटा किसान कुछ बेचता है और वही बदले में कुछ 700-800 पूरे गांव के 10-12 किसान मिलकर एक प्रोड्यूस सेल करते हैं, तो उसकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा होती है, क्रिएटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, और उससे जो इनकम आने वाला है वो भी ज़्यादा होता है। इस तरह से 700 नए FPOs को बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो टोटल क्या करेंगी, जो कुल मिलाकर 1000 खेत और 1000 हेक्टेयर, यानी कुल 1000 हेक्टेयर में फैले हुए 1000 खेतों में 700 FPO बनाने का उन्होंने सिफारिश दी है कि इस तरह से आप FPO बढ़ाइए, रूरल हाट बढ़ाइए, रूरल मंडी को बढ़ाइए, ताकि जो छोटे किसान हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या APMC तक आके ना बेच सके, वो यहीं FPO में ही अपना काम कर लें और उनके जो है वो आने जाने का जो माल वहन परिवहन का जो खर्चा हो रहा है वो बचे और उनके आय में वृद्धि हो, ठीक है। इसके अलावा बेसिक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बाजार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, वो बहुत जर्जर हो चुका है, तो उसे ठीक करने के लिए आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लाइए, कुछ अलग से सेस लाइए। इसमें अभी आप और लिख सकते हैं कि हाल ही बजट में कृषि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा है उसका भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और प्राइस इन्फॉर्मेशन, यानी कि मूल्य की सही जानकारी, एक नेशनल पोर्टल बने जहाँ पर एक मूल्यों का प्रॉपर निर्धारण, क्या होता है कि छोटे छोटे मार्केट में मूल्य का निर्धारण डिमांड के हिसाब से होता है, जैसे डिमांड है वैसा मूल्य, लेकिन अगर हम एक मूल्य का निर्धारण कर दें कि एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट वाइज इतना ही इतने मूल्य से चीज़ें बिक रही हैं, तो इसमें किसानों को इसका लाभ मिल सकता है और जो आम जनता है उससे भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, तो जो बीच का जो बिचौलिए जो माल खा जाते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोक लगने वाली है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन से, और रिकमेंडेशन देख लेते हैं, ओवरकम द लोकल बॉटलनेक्स, यानी कि जो स्थानीय अड़चने हैं, बहुत सारी अड़चने होती हैं, कहीं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, कहीं मोबिलिटी की प्रॉब्लम है, कहीं अनाज को रखने की भंडारण की समस्या है, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, कहीं पर अलग अलग चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को दूर करके और एक अधिकार, यानी जो मोनोपोली है, कहीं किसी किसी इलाके में जो MSPP या APMC की जो मोनोपोली हो जाती है, या कुछ यूनियन की कुछ संघों की मोनोपोली हो जाती है, जिसके कारण वो किसान जो है उस संघ से बाहर निकल कर कहीं बिक्री नहीं कर पाता है, फिर उनमें राजनीति शुरू हो जाती है, उनको भी दूर करने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये जो FPO बनेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि ये जो FPO यानी फार्म प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको VPO भी कहते हैं, विलेज प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्राम उत्पाद समितियां बनती हैं, तो उन ग्राम उत्पाद समितियों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो और उनके शेयर्स भी हो, यानी कि उनमें 20-25% 25-26% 30% इस तरह के शेयर जो है प्राइवेट कंपनियां उनसे खरीदें, उनको एडवांस में पैसे दें और वो खेती करें। इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म जो है अभी तीन हाल ही में फार्म लॉ जो आए हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में सरकार ने लिया गया है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या जो तीन कृषि सुधार कानून है वो इसी के यानी DFI कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही आए हैं, ठीक है, तो ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि कृषि के साथ साथ जो पशुपालन है, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, मधुमक्खी पालन हो गया, इन सारे चीज़ों का भी एक अलग से मार्केट हो, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइफ स्टॉक मार्केट, इस तरह के एक लाइफ स्टॉक मार्केट का भी अलग से निर्माण होता कि खेती के साथ साथ वो अन्य चीज़ों का भी बिक्री कर सकते हैं, ठीक है, खासकर की जो खेत है जैसे कि पशुपालन हो गया, बकरी पालन हो गया, इन सब के जो मीट है, मिल्क है, उन सब के मार्केट का भी एक अलग से निर्धारण हो और वहाँ पर भी एक वैसी व्यवस्था बने जहाँ चीज़ों को आराम से लेन देन किया जा सके, जहाँ पर जो फ्लो है यानी फ्लो ऑफ इकोनॉमी, फ्लो ऑफ मार्केट चेन, सप्लाई चेन जो है वो कम्प्लीटली बनी रहे और जहाँ पर प्राइस राइज नहीं हो, अनफ्लक्चुएशन ना हो वहाँ पर, इस तरह के रिकमेंडेशन वहाँ पर दिए गए। और सबसे जरूरी बात यह है कि पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट यानी कि बुआई और कटाई दोनों ही के समय ऋण की व्यवस्था जो है बहुत ही सरल और सुगमता से किसानों को मिलती रहे, ये इनके कुछ मुख्य सिफारिशें हैं। अब देख लेते हैं कि इनके क्रिटिसिज्म की आलोचना क्या है। तो आलोचना यह है कि आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह तो दी कि आप इन्वेस्ट करिए, 10-11% बढ़िए, सरकार को ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए, मार्केट बनाना चाहिए, FPO बनाने चाहिए, लेकिन उनके लिए लगभग 6,40,000 करोड़ का खर्चा आएगा और वो खर्च कहाँ से आएगा इसका कोई उल्लेख उन्होंने दिया नहीं, यानी कि ये बहुत ही एक जनरल अप्रोच है। कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ एक जनरल अच्छी अच्छी बातें कहीं, इनका कोई रोड मैप नहीं दिया गया कि इस तरह से आप पैसे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ से आएंगे, ठीक है, किसका बजट कम करेंगे, पैसे यानी वेज रेवेन्यूज पैसे उठाने का मीन्स कहाँ से होगा, किस तरह से पैसे को कमाया जा सकेगा, कहाँ से पैसे लाकर उन्हें इन्वेस्ट किए जाएंगे, इस तरह का कोई प्लान इन्होंने नहीं दिया है। बस इन्होंने सिर्फ कह दिया है कि कहते हैं इस तरह से, जो इनके आलोचक ये कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक पेपर सैनिट की डेकोरेटिव पॉलिसी है, ऊपर से कवर अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से काम होगा किस तरह से वो रोड मैप नहीं बताइए। तो आप सरकार को या किसानों को सिर्फ खुश करने की समिति रिकमेंडेशन है लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन कैसा हो उसके एक भी पॉइंट इसमें नहीं दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा, बहुत से आर्थिक अर्थशास्त्री ये भी कर रहे हैं कि अगर किसानों की राय में सही में दोगुनी वृद्धि करनी है तो 10-12% नहीं 22-23% की वृद्धि चाहिए। अब ये इनमें आपस में ही जब कॉन्फ्लिक्ट है तो किस तरह से ये चीज़ों को रिकमेंड कर सकते हैं और किस तरह से रिकमेंडेशन जो है वो काम आएगी, ये आप इसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे की राय ने इन क्रिटिसिज्म में अब आगे क्या सुधार कर सकती है गवर्नमेंट। सो राजनीतिक दल, इन्होंने कहा है जो
कर्ज माफी ऋण माफी वाले जो स्कीम चल रही है अलग अलग राज्य में चुनाव होते हैं और कर्ज माफी का ऐलान कराते हैं और बाद में वो मिलती भी नहीं है। लेकिन इससे होता क्या है कि वो किसान जो आम रूप से कर्ज लेते हैं और चुकाते भी हैं वो कर्ज भी चुकाना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे सरकार से जब उनसे पैसा मिलता है तो पता चलता है कि उतना पैसा नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था, तो फिर से तो कर्ज उन्हें चुकाना ही पड़ता है। और इससे क्या होता है कि बैंकों की भी हालत खराब हो रही है और किसानों की भी हालत खराब हो रही है, और जो कर्ज की जो चुकाते हैं सरकार अपने पैसे से चुकाती है, यानी कि क्या आम लोगों के टैक्स के पैसे चुकाती है, तो आम लोगों का टैक्स यानी सरकार का राजस्व भी खर्च हो रहा है, किसान भी क्या करे गैर जिम्मेदार हो रहा है, कर्ज नहीं चुका रहा है, इस वजह से और ज़्यादा कर्ज ले रहा है और उसका जो सीरियसनेस है उसकी क्रॉप में जो काम करने की जो सीरियसनेस है जिससे ध्यानपूर्वक को काम कर सकता है वो नहीं हो रहा है, उसका आउटपुट भी उतना नहीं बढ़ रहा है और बैंकों की स्थिति भी खराब हो रही है, समय पर उनको भी कर्ज पूरा नहीं मिल पा रहा है और लोगों का टैक्स का पैसा भी वहाँ जा रहा है। तो ये तीनों ही पार्टी के लिए ठीक है, आम जनता जो टैक्स भरती है, किसान जिनको लोन माफी का वादा किया गया और बैंक जिनको वादा किया गया, लेकिन ये पहुंचने में देरी होती है तो इनका एनपी इनका इंटरेस्ट बढ़ता है, वसूली का इनका प्रॉब्लम होता है और जब पूरा पैसा इन्हें नहीं मिल पाता है तो ये जो और कर्ज ले लेते हैं उसके चक्कर बाद में फिर इन्हें चुकाना ही पड़ता है। तो ये तीनों के लिए सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है। बहुत सारे इकोनॉमिक में हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, उनकी एक्स चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति रॉय ने भी कहा था, रघुराम राजन ने भी कहा है कि इस तरह की कर्ज माफी वाली स्कीम जो है वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती, बजाय इसके कि आप प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव दें, यानी कि सरकार को या किसानों को या उत्पादकों को एक निश्चित उत्पाद से ज़्यादा अगर उगाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की माफ़ी हो या सब्सिडी में कुछ इजाफा हो या अलग से कुछ पैसा हो, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं जिससे कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद बढ़ेगा। पहले ही कर्ज माफ़ी आप नहीं कह सकते हैं, इससे क्या होगा कि वो कर्ज लेकर कर्ज का पैसा किसी और क्षेत्र में यूज़ कर लेते हैं और लोग ना उससे खेती हो पाती है ना उससे बैंकों का फायदा होता है। दूसरा इंसेंटिवाइजिंग एंड डीबीटी, यानी कि इस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसकी पीएम किसान योजना है, इनका जो है टारगेटेड है कि अभी तो हर किसान को मिल रहा है लेकिन इसमें और रिफाइन करके और छानबीन करके जो गरीब से गरीब किसान है उनको 6,000 के बदले आप 16,000 तक भी दे सकते हैं और उन सीमांत और लघु सीमांत किसानों को जो एक ज़्यादा आय मिलेगी, तो जाहिर सी बात है। और यह आय भी रिकमेंडेशन में ये भी फॉर्म में इस तरह है कि पैसे के रूप में नहीं बल्कि एक टिकट या कूपन के रूप में मिले जिससे वो सीधा सीधा उत्पाद हो, कृषि से जुड़े उत्पाद हो, जैसे कि खाद हुआ या और पेस्टिसाइड्स हो गए, वीडिसाइड्स हो गए, जंतुनाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, इस तरह की चीज़ों को खरीद सके जो पैसा किसी और क्षेत्र में यूज़ ना हो, इस तरह का एक कूपन की व्यवस्था की जाए ताकि पैसे जो है ना उनसे कोई ले सके ना उनसे ट्रांसफर हो सके, उस कूपन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए हो जो कृषि में उपयोग होने वाले हैं। तो इस तरह से जो पैसे का जो फ्लो है, सब्सिडी जो लीक हो जाती है उस पर भी चेक किया जा सकता है। तो इस तरह के आप इनमें सुझाव दे सकते हैं और इन कृषि को यानी फार्मर्स की जो इनकम है डबल करने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। दूसरा, इसमें प्राइवेट पार्टीज़ का भी आना जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि कृषि का जो उत्पाद हो स्टोर करने की भी जगह होनी चाहिए और ये जब तक यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं होगा, आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं होगा, तब तक स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ेगी नहीं, और से स्टोरेज फैसिलिटी कब बढ़ेगी तो जब इनमें प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट करेंगी। और इसीलिए प्राइवेट पार्टी को सरल रूप से रेगुलेटेड तरीके से, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी जितना चाहे उतना स्टॉक कर लें फिर होल्डिंग कर लें फिर प्राइस में वृद्धि हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, बट रेगुलेटेड रूप से उनको कोल्ड स्टोरेज, अलग स्टोरेज फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जरूर के जरूर उतारना चाहिए। सारे देशों में हो रहा है, भारत इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हमने सारे विश्व से सारे देश से कंपटीशन करना है, सबके बराबर आकर खड़ा होना है, तो हमें भी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हैं, जो ग्लोबल पॉलिसियाँ चल रही हैं, वैश्विक स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं, जो नीतियाँ चल रही हैं, उसके हिसाब से हमें भी चलना होगा ताकि हमारा मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव बन सके और भारतीय किसान ना सिर्फ अपने लिए उगाए बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर सके, उसे निर्यात भी कर सके। इस तरह का लिखकर आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, इनइक्वालिटी, हाल ही में ऑक्सफैम रिपोर्ट, रिसेंटली द ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट हैज हाईलाइटेड ग्रेव इनइक्वालिटी ओइंग टू व्हाट, कोविड-19। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि जो इकोनॉमिक हम ग्रोथ देख तो रहे हैं लेकिन वो ग्रोथ होता रही है लेकिन अमीर लोग जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं, जिससे एक समाज में एक सामाजिक खाई, सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ने जन्म लिया है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। और किस तरह से इसमें UBI का हम यूज़ करके इसे ठीक कर सकते हैं वो देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफैम रिपोर्ट में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण जो गंभीर असमानता उजागर हुई है उसको किस तरह से UBI यानी कि सामान्य वेतन, यानी हर एक व्यक्ति को एक निश्चित मूल्य देकर मदद करके बजाय उसके कुछ अलग अलग सब्सिडी मिलती हो, उन सब सब्सिडियों के बदले उन्हें एक निश्चित राशि दे दी जाए और ताकि वो अपने हिसाब से उसे खर्च कर सके, और ये किस तरह से जो डिस्पैरिटी यानी कि जिस तरह से जो असमानता को दूर करने में हेल्पफुल हो सकता है उसे हमको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, तो पहले हम बताएंगे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या है और ऑक्सफैम क्या है, ठीक है। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या है कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई। ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है वो बहुत सारे NGO का एक संगठन है जो 1995 में बना था, एक स्वतंत्र समूह का संगठन है जो मोस्टली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसको हेड करता है और फैमिन एग्रीकल्चर के रिलेटेड अपनी रिपोर्ट देता है, इसलिए उसको ऑक्सफैम कहते हैं, ठीक है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंडस्ट्री, यानी कि वैश्विक तौर पर गरीबी और अन्याय को कम करने उसके मुख्य उद्देश्य है। दिस रिसेंट रिपोर्ट, हाल ही की जो रिपोर्ट है, ये किस पे फोकस करती है, तो ये गंभीर असमानताओं से परिस्थिति होने वाली आगे की परिस्थितियां जो भुखमरी हो सकती है समाज में, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब असमानता रहेगी तो लोगों के बीच में खाई बढ़ जाएगी और जब जो अधिक व्यक्ति गरीब रहेगा उसके पास कोई अवसर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कोई इलीगल काम ही करेगा, ठीक है। अमीर व्यक्ति से पैसा जबरन छीनने की कोशिश करेगा, समाज में असामाजिकता बढ़ेगी और जब असामाजिक समाज होगा तो वहाँ की इकोनॉमिक वृद्धि में धीरे धीरे कमी आती रहेगी और बाहर का इन्वेस्टमेंट, जो निवेश भारत में आ रहा है, वह निवेश बुरे लॉ एंड ऑर्डर कारण के कारण दूसरे देशों में जा सकता है। तो ये ओवरऑल जो कहते हैं ना, पूरे सामूहिक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस तरह का आप
बैकग्राउंड इसमें दे सकते हैं। अब देखते हैं कि इनइक्वालिटी में भारत में किस तरह जो रिपोर्ट आई है, भारत में इनइक्वालिटी यानी कि जो असमानता है वो कैसी है। तो भारत में असमानता ऐसी है कि टॉप के यानी कि उच्चतर 1% लोगों के पास नीचे के 70% आबादी के संपत्ति के 4 गुना की संपत्ति है। यानी कहा यह है कि अगर भारत के 70% जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके पास 100 रुपये हैं, तो भारत के उन 1% ऊँचे लोगों के पास 400 रुपये हैं। ठीक है, इस तरह की ग्रेव जिसे कहते हैं कि भयानक भीषण असमानता है भारत में। और इसी को और दूसरी तरफ से समझें तो भारत के 63 बिलियनर्स, ठीक है, यानी कि 63 अरबपतियों के पास इतना पैसा है जो अगर वो जोड़ दें तो जो हमारा राष्ट्रीय बजट है, यूनियन बजट, उसके से भी ज़्यादा यानी कि 24 लाख करोड़ रुपए उन लोगों के पास हैं जो हमारे राष्ट्रीय बजट से भी ज़्यादा हैं। तो इस तरह की भारी असमानता है। सिर्फ और सिर्फ 63 अरबपतियों के पास हमारे टोटल बजट से ज़्यादा पैसा है जो 135 करोड़ लोगों के लिए, यानी 63 लोग अगर अपना पैसा मिला दें तो 135 करोड़ लोगों के बजट के बराबर का उनका पैसा हो जाता है। तो इस तरह की भारी असमानता आप इसको कोट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि UBI क्या है, यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम है क्या चीज़। तो असम अमाउंट यानी कि पहले भी हमने बताया कि सरकारें जो हैं बहुत सारी सब्सिडियां देती हैं अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, पेट्रोल में सब्सिडी, खाद्य में सब्सिडी, हॉस्पिटल में सब्सिडी, कुछ खाने की चीज़ों में सब्सिडी, पेट्रोल डीजल में सब्सिडी। तो इन सारी सब्सिडी को, राशन वितरण में सब्सिडी, PDS जो मिलता है, हमको राशन मिलता है सब्सिडाइजर पे, आपको पता है कि FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 27-28 रुपये प्रति किलो गेहूँ और चावल खरीदती है और गरीब लोगों को या BPL के लोगों को या अलग अलग गरीब राज्यों के गरीब लोगों को 2 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये प्रति किलो चावल गेहूँ मिलते हैं। तो ये 27 और 3 रुपये यानी कि 25 रुपये 26 रुपये पर किलो का जो नुकसान हो रहा है सरकार को, ये FCI द्वारा वहन किया जाता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए एक UBI की स्कीम लाई गई है जिसमें कहा गया है कि ये जो स्कीम है, ठीक है, जो सब्सिडी देने के लिए आपको भंडारण करना पड़ता है, फिर उसके लिए अलग से ऑफिसर लगाने होते हैं, उसका स्टोरेज करना होता है, जिनको मिलने वाले उनको चिन्हित करिए, उनके APL कार्ड बनाइए, BPL कार्ड बनाइए, देखिए कि उनमें कोई फ्रॉड ना हो, उनकी बार बार मॉनिटरिंग करते रहिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, मिला है कि नहीं मिला है वो देखिए, उन सब के बदले उनमें जो खर्च होता है, जो समय लगता है, सरकारी ऑफिसर की वृद्धि होती है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, इस तरह का जो टोटल खर्च होता है उसको हटाकर हम क्यों ना जो लोग जो गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं या कुछ एक आधारभूत लोग हैं उन्हें एक निश्चित राशि दे दी जाए और वो अपने हिसाब से अपना खर्च उसे कर सके। तो ये एक तरह का मुख्य मेजर है जो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े देश इसको उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है यानी कि ये हर व्यक्ति को मिलता है। भारत में तो इस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो 135 करोड़ लोग हैं, वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है। तो लेकिन यहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस यानी कि वह लोग जो अत्यंत गरीब हैं, जो BPL के नीचे हैं, उनके लिए ये स्कीम ज़रूर लागू की जा सकती है। किस तरह से ये स्कीम है तो देख लेते हैं। तो ये जो अन्य सुविधाएं जैसे खरीद, वितरण, परिवहन, इन सब में जो सरकारी राजकोष या सरकारी तंत्र की जो वृद्धि होती है, ठीक है, उनमें उसका यूज़ किया जा सकता है। उसी वजह से क्या होता है कि जो इसमें जो फ्लो है यानी कि सब्सिडी का जो लॉस हो रहा है, सब्सिडी का जो फ्लो हो रहा है वो बचेगा और ये सारे पैसे जो है अंततः किसी आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए यूज़ किए जा सकते हैं जो अंततः बाद में फिर उन्हीं निचले तबके के लोगों को ही मदद करने वाला। तो ये है कि UBI स्कीम कायदे से क्या है कि यूनिवर्सल है, हर देश में तो हर व्यक्ति को मिलती है, लेकिन भारत में इसे लागू करने में यही समस्या है कि यूनिवर्सल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ क्षेत्रों के लिए, एक BPL कम्युनिटी के लिए इसे ज़रूर लागू किया जा सकता है। अब देखते हैं कि यह स्कीम भारत में किस तरह से असमानता को हटाने में उपयोगी हो सकती है। सो हाउ इट कैन हेल्प। सो अ मॉडिफाइड UIB, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि मॉडिफाइड यानी कि भारत के हिसाब से गठित की गई UBI जिसे BPL कार्ड से लिंक करके दिया जाए, वो क्या करेगा कि जो आम व्यक्ति है उसके खरीदने का अधिकार यानी राइट टू परचेज उसके पास होगी जब उसके पास पैसे होंगे, एंड राइट टू डिसाइड व्हाट टू परचेज यानी कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, और खरीदने की शक्ति, तीनों ही शक्ति जब किसी गरीब व्यक्ति के पास होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी असमानता में कम आएगी इन कंपैरिजन टू बाहर के लोगों, और जब वो व्यक्ति उसके हाथ में इकोनॉमिक होगा, मनी होगा उसके हाथ में, जब शक्ति होगी तो वह अपने हिसाब से उस पैसे को या तो इन्वेस्ट करे या रिड्यूस करे या कहीं और अप्लाई करे, और इसके वजह से जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। असमानता क्या होती है, असमानता यही होती है कि पैसे की कमी के कारण अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों में कमी हो जाती है। तो यह अवसर अब सरकार उन्हें प्रोवाइड करा रही है जिससे असमानता धीरे धीरे जाके कम हो जाएगी। और ये जो सरकार का चेक जो सब्सिडीज के लॉस की वजह से या उनमें फेलियर की वजह से उनके मेंटेनेंस में अवसर लगाने के, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, चेकिंग, रजिस्ट्रेशन, इन सब में जो पैसे खर्च हो रहे थे, उन पैसों से और आधारभूत संरचना जैसे कि हॉस्पिटल्स, ठीक है, फ्री स्कूल्स, हायर स्कीम्स, पॉलिसीज, टेस्ट, इन सब का निर्माण हो सकता है जिसमें बाद में यहीं के लोग, इन्हीं गरीब तबके के लोग या इन्हीं निम्न तबके के लोग इसमें स्थान ले सकते हैं और उनकी जो असमानताएँ हैं वह धीरे धीरे दूर हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करके अपने आंसर को कंप्लीट फॉर्म में दे सकते हैं और इसमें आप 2-3 स्कीम का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे हमने देखा कि कैसे जुडिशियस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फंड, यानी कि क्या होगा कि जब UBI स्कीम आ जाएगी तो सीधा सीधा उस टारगेटेड व्यक्ति को DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मनी मिल जाएगी, और उस मनी के मिलने से क्या होगा कि जो सरकारी फंड है उसका सही रूप से इस्तेमाल हो सकता है, वो अपने हिसाब से, उस व्यक्ति को पता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है,
ठीक है, कहीं कहीं पे किसी व्यक्ति को उतने अनाज की जरूरत नहीं है जितना उसे मिल रहा है, वो अनाज तो कहीं और से भी कमा सकता है, लेकिन वो कुछ और में इन्वेस्ट करे, वो अपना बिजनेस करे, ठीक है, वो अपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई स्किल डेवलपमेंट करे, कोई नई स्किल सीखे। तो इन सब के बदले में हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए बेहतर ये होता है कि आप उसे कुछ एक राशि दे दें और वो अपनी राशि से उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करे, ताकि उसका जो है डिस्पैरिटी यानी उसकी वृद्धि हो सके, और जब उसकी वृद्धि होगी समाज के निचले तबके को जब अवसर मिलने लगेगा, जब वह आगे बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब भारतीय समाज भी आगे बढ़ेगा, और जब भारतीय समाज में वृद्धि होगी तो भारतीय आर्थिक भी शक्ति बढ़ेगी, और भारत जो है हमारा सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से जो बचे हुए पैसे हैं उनसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, जो बाद में उन्हीं लोगों के काम आने वाली है और असमानता को एक अच्छे हद तक कम कर देगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।